इसके में डीजे साले हैं और इन लोगों ने फ्रॉड करके और ये कभी पुलिस की एक्टिविटीज देखी होगी तो उसके हिसाब से इन्होंने नकली क्राइम ब्रांच बनके ये अपराध किया तो इनको गिरफ्तार कर लिया। धारा 419 420 में अपराध पंजीबद्ध करके दोनों गिरफ्तार कर लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। सर ये जो एफआरबी वालों के पेस्ट हुए तो क्या सर उनसे जान पहचान थी इनकी, क्या उससे कोई पहचान हल्की सी रही होगी और इस जनरल पहचान रही होगी तो उसने दूर से जाके पहले उसको घुमाता रहा यहाँ वहाँ, उसके बाद फिर स्टाफ के वहाँ जाके उसने दूर से सिर्फ पैर छुए, दूर से फरियादी का ऐसा कहना है कि उसने बस पैर छुए थे और मेरे से पैर छुलाया उसका निकल आया। तो इस प्रकार से जो है कुल मिला के इसका फ्रॉड पूरा वो था, प्लान था इनका और पुलिस ने पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया। सर एफआरबी वालों की कोई भूमिका नहीं है इसमें, ऐसी कोई भूमिका सामने नहीं आई है क्योंकि जिस टाइप से फरियादी का भी कहना है और कोई इंटेंशन या कोई ऐसी बात नहीं थी, सिर्फ इसने अपना फ्रॉड पूरा करने के लिए इस टाइप से एक्टिविटी की। भैया धन्यवाद। कैसे क्या किया, क्यों किया? कुछ नहीं करा, फोन पे बदतमीजी हुई बस। वो पैसे तो लिए उससे तुमने? किससे? बुला के जिसने शिकायत की तुम्हारी चैन लूट में नाम आ गया, हम क्राइम ब्रांच के बोल रहे हैं। 5,000 तो दे दिए? कुछ भी नहीं दिए। और वो एफआरबी वालों के पांव क्यों छुए थे तुमने? पुलिस वालों के उनसे जान पहचान तो नहीं है? उनका भी हिस्सा बनाओ। ऐसे छू लिए बेवजह, वो चमकाने के लिए उसको कि पुलिस वाले ही हैं हम और ऐसा कर गए। हाँ क्या नाम है तुम्हारा? गोविंद शर्मा। गोविंद शर्मा। ओके ओके।